उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 680 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 307, नैनीताल में 87, अल्मोड़ा में 50, हरिद्वार में 38, पिथौरागढ़ में 36, पौड़ी में 33, उधमसिंह नगर में 31, चमोली में 27, बागेश्वर में 25, टिहरी में 15, चंपावत में 14, उत्तरकाशी में 8, रुद्रप्रयाग में 9 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 77,573 पहुंच गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,281 पहुंच गया है। देहरादून में इस रविवार भी रहेगी साप्ताहिक बंदी, खुली रहेंगी सिर्फ ये दुकानें। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए राजधानी देहरादून में रविवार को कंप्लीट साप्ताहिक बंदी रहेगी। पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। बता दें कि जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने नगर मजिस्ट्रेट सहित सभी SDM को अपने अपने क्षेत्रों निर्धारित साप्ताहिक बंदी पर कड़ाई से पालन करवाने और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। साप्ताहिक बंदी के दिन नगर निगम देहरादून ऋषिकेश सहित समस्त नगर पालिका परिषदों की व्यापक सफाई अभियान के साथ ही सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पे मंदिर की परिक्रमा कर बैठ गया गुलदार दहशत में आए लोग। तो राजा जी नेशनल पार्क से सटे औद्योगिक क्षेत्र में आज गुलदार के आने से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि जंगली जानवरों का हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्री एरिया के एक आश्रम में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। पुजारी द्वारा वन विभाग की सूचना दी गई, जिसमें मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया। ICICI इंश्योरेंस कंपनी के CEO पर रेप का आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली एक युवती ने कंपनी के CEO पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि CEO अब शादी से इनकार कर रहा है। उसने पीड़िता के साथ गाली गलौज भी की। राजपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं खबर है, यह अल्मोड़ा से, जहां पर गड्ढे में ट्रक निकालते समय हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक चालक की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा जिले के काफली गैर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गड्ढे में फंसे ट्रक को रोड रोलर से निकालने के दौरान बीच में दबकर ट्रक चालक और एक अन्य घायल हो गए। स्थानीय लोग दोनों को आपातकालीन सेवा 108 की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बागेश्वर निवासी ट्रक चालक बहादुर राम, जो कि 35 साल का था, को मृत घोषित कर दिया।